बैठकर जमहूरियत की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, पुश्तों ने राज किया। जब 5 लाख तक का इलाज कभी मुफ्त मिला था क्या भाई? रे जोर से बोलो, मिला था? मेरे पहाड़ी भाई हो तो वो भी बोले मिला था क्या? मोदी जी ने घाटी हो या जम्मू, पहाड़ हो या मैदान, सबको 5 लाख तक का इलाज दिया और दूसरे 5 लाख अब 70 साल से ज्यादा आयु वालों को। मुझे बताओ भाई, अब्दुल्ला परिवार ने 3 पीढ़ी शासन किया, 5 किलो चावल मुफ्त और जितना चावल चाहिए इतना कम दाम में कभी मिला था क्या आपको? अरे जोर से बोलो, तनिक मिला था? मोदी जी ने हर घर को चावल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हर घर में नल से जल, ये 3 पीढ़ी से राज करने वाले अब्दुल्ला ला पाए थे क्या? अरे जोर से बोलो, ला पाए थे क्या? ये हमारे किश्तवाड़ में, अभी मैं पादर जाकर आया, पादर में डिग्री कॉलेज कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। किश्तवाड़ में एयरपोर्ट कौन लाएगा? नरेंद्र मोदी लाएंगे। हर गांव को सड़क से किसने जोड़ा? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। मित्रों, हजारों सैकड़ों हजार करोड़ के जल विद्युत परियोजनाएं, IIM, IIT की श्रृंखला, एम्स, फैशन डिजाइन की कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन जम्मू में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, आप हमारी सरकार बना दीजिए, हम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब जम्मू क्षेत्र को कोई अन्याय नहीं कर सकता, रजौरी पुंछ को कोई अन्याय नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो जितने भी लोग आतंकवादी जेल में हैं उनको हम मुक्त कर देंगे। आप चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? एक क्षेत्र ने 90 के दशक में आतंकवाद झेला है, हमारी बिटिया सगुन ने भी अपने परिवार के अपने पिता का छाया घुमाया है। भाई मैं आज आपको कहकर जाता हूं, NCC और कांग्रेस को जो मनसूबे करने हो कर दीजिए, दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की इस और नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। हमने SPO और VDG को आधुनिक हथियार दिया, फिर से इसका पुनर्गठन कर रहे हैं। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, जिनके मंसूबे हैं आतंकवाद फैलाने के, भाई अभी भी समय है, वापिस जाना है तो चले जाओ, वरना भारत की सेना और भारत के सुरक्षा बल तैनात है, यहीं पर ठिकाना बन जाए। भाइयों बहनों, अजीब प्रकार का रिश्ता, 3 पीढ़ी का रिश्ता ये अब्दुल्ला और गांधी का है। कभी इंदिरा जी,
शेख अब्दुल्ला को सालों तक जेल में डालती है, कभी बाहर निकालती है, कभी राजीव गांधी उनसे समझौता करते हैं और अब राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से समझौता करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, देशद्रोह के इल्जाम में आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था, शेख अब्दुल्ला के और अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक व्हाइट पेपर जम्मू कश्मीर की असेंबली में आपने डाला था, वो अगर हिम्मत है तो देश के सामने फिर से। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं, सत्ता का मोह क्या क्या कराता है भाई। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं भैया, इलू इलू कर रहे। क्या किश्तवाड़ की जनता समझती है या नहीं समझती है? अब देखो राहुल बाबा को लगता है किश्तवाड़ वाले नहीं समझते हैं भाई, आप समझते हैं ना? ये मेल मिलाप किस चीज के लिए है? सत्ता के लिए है। और सत्ता किस लिए चाहिए? फिर से आतंकवाद लाने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। मगर आप चिंता मत करिए, ना ये जीतेंगे, ना आतंकवाद आएगा, ना 370 वापिस आएगी, ना आरक्षण जाने वाला है, ना माताओं बहनों का अधिकार जाने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आज भारतीय जनता पार्टी आप सबकी बेटी सगुन परिहार को लेकर मैदान में उतरी है। एनसी कांग्रेस महिलाओं को आगे करने की बात कर रहे हैं, मगर टिकट देने की हिम्मत नहीं है। जब टिकट सगुन का फाइनल हो रहा था, कई लोगों का विचार था अभी सगुन आयु में छोटी है। मैंने कहा था पिता और चाचा का बलिदान बहुत बड़ा है, सगुन की आयु मत देखिए, उसके परिवार का बलिदान। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आज कि बिटिया मक्कम मन के साथ, हिम्मत के साथ पैर पैसा रही टेररिज्म के खिलाफ आपकी जनप्रतिनिधि बनकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाना के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आई। सगुन को वोट केवल देश की सुरक्षा को वोट नहीं है, सगुन को वोट जम्मू कश्मीर रजौरी पूंछ डोडा के विकास के लिए नहीं है, आतंकवाद को रोकने के लिए। ये सब तो होगा ही, सगुन चुनाव जीतेगी तो मजबूती से आतंकवाद को रोकने के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी, आपका आरक्षण बचाने के लिए। परंतु सगुन का वोट इसके पिता और चाचा को श्रद्धांजलि का वोट है मित्रों, तो श्रद्धांजलि का वोट, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो परिवारों का प्रतीक सगुन परिवार बने, चाहे सतीश भंडारी हो, चाहे चंद्रकांत शर्मा हो, चाहे चमनलाल हो, चाहे परिहार बंधु हो, इन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम किया, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया, अपनी जानों का बलिदान दिया। मैं किश्तवाड़ आया हूं तब किश्तवाड़ की दूसरी बेटी शीतल देवी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ओलंपिक में कांस्य पदक नाम रोशन किया है और मोदी जी ने ये जो व्यवस्था है खेल नहीं करी है, इसी के कारण किश्तवाड़ जैसे दूर दराज के क्षेत्र से हमारी बहन शीतल
आज अवार्ड जीत कर आई है। मोदी जी ने उसको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है। आप सभी शीतल के लिए जोर से ताली बजाइए एक बार जरा। नए सिरे से हम गठन, इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एसपीजी और वीडियो की सभी समस्याओं का समाधान करना है, हम तत्काल उसको करेंगे। भाइयों बहनों, भारी भरकम 303 को बदलकर एसएलआर ऑटोमेटिक राइफल उनको दी गई है और सुरक्षा का एक बहुत अहम गांव स्तर का बड़ा घेरा हम बना रहे हैं। किश्तवाड़ में एडवेंचर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वेलनेस एंड योगा सेंटर, पिलग्रिमेज बाद हम की का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं पहाड़ियों में, तब बकरवाल भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूं। ऐसा आरोप करना फारूक साहब आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला गांधी परिवार, उनका एक ही मकसद है जीतना। आतंकवाद को शरण में जाने की इनको कोई शरण नहीं। और मैं आज कहकर जाता हूं, अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, दुनिया भर में इतने भ्रष्टाचारी परिवार आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे मित्रों, कहीं पर नहीं मिलेंगे। और उनको फिर से गरीबों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए यहां पर सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, उमर अब्दुल्ला जी ने एक एजेंडा बनाया है कि हम आतंकवादियों से जेल से छोड़ देंगे। छोड़ना चाहिए क्या? भाई जोर से बोलो, उनको सुनाना है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूं। छोड़ना चाहिए क्या? ये आतंकवाद और अलगाववादियों को मजबूती देना चाहते हैं, देनी चाहिए क्या? ये कहते हैं पाकिस्तान से फिर से चर्चा करेंगे, करनी चाहिए क्या? ये कहते हैं सीमा पार व्यापार फिर से चालू करो जिससे आतंकवाद का वित्त पोषण हो, करना चाहिए क्या? आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में है, ये कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। भाइयों बहनों, हमने जम्मू में 6000 करोड़ की लागत से उच्च शिक्षा और कॉलेजों का निर्माण किया। जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स बने, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य कैंसर इंस्टीट्यूशन, 19 के बाद 8 महाविद्यालय, 24 महाविद्यालयों का भवन और 59 कॉलेजों बनाने का काम किया है। और अब मैं कह रहा हूं, आप एक बार सगुन को और किन साहब को जिता दो, सभी विद्यार्थियों को 3000 रुपये का ट्रैवल अलाउंस भी हम देने का काम करेंगे। 2 वर्ष तक 10000 की कोचिंग फी देंगे हम,
100 मंदिर जो आतंकवाद की भेंट चढ़े, हर साल 100 मंदिरों को हम नया बनाएंगे। और अभी भी जो हमारे किसान भाइयों को 6000 रुपया मिला है, ये 6000 रुपया हर साल मिलता है, उसको बढ़ाकर 10000 करने का काम भी हम करेंगे। 5 किलो चावल जो मिलता है उसको हम 10 किलो करेंगे। माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, किसी भी धर्म की माता हो, घर के सबसे वरिष्ठ महिला को 18000 रुपये का चेक भी मोदी जी भेजेंगे। इसके साथ साथ किसानों का बिजली बिल भी हम आधा करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू में तवी का रिवर फ्रंट बढ़ाएंगे। हमारे पूंछ रजौरी में पहलगांव जैसा एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बहुत अन्याय किया, जम्मू के क्षेत्र को अन्याय किया है, अब जम्मू के क्षेत्र को कोई अन्याय न कर पाए ऐसी स्थिति हम करेंगे। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, रक्षाबंधन और दीपावली पर 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर आपको देंगे। और जम्मू में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे, किश्तवाड़ में उड़ान से हवाई सेवा चालू करेंगे, और रणजीत सागर में झील विकास प्राधिकरण से हम पर्यटन बढ़ाने का काम करेंगे।